हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम यहाँ पर छोटा सा एक मिशन मतलब क्रिप्ट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। पास ही में है यहाँ पर, तो जाके देखते हैं, क्योंकि इस एरिया को हमने छोड़ दिया था, यहाँ पर कुछ होगा करके, और हमें देरी हो रही थी जल्दी से गेम प्ले कंप्लीट करने का, स्टोरी का, तो इसलिए कर रहे थे। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं, देखते हैं क्या है। एक्सप्लोरर बैकपैक मिला है, जो कि हमारे मैप में जो भी सीक्रेट को रिवील कर देता है, जैसा कि अभी दिखाया। यहाँ पर डॉक्यूमेंट और केच रिवील हो चुका है, जैसा कि दिख रहा है अभी भी। ये क्या है नहीं पता, अभी चल के देखेंगे। और ये वाला केच तो काफ़ी दूर है, बीच में डॉक्यूमेंट भी है दो, खैर देखेंगे बाद में उन सबको। अभी चलते हैं यहाँ से। कैपी पर मरा हुआ क्या कर रहा है यहाँ पर? खैर जो भी है, हम स्किन कर लिए उसे और यहाँ से निकलते हैं अभी। पानी में इतनी सारी मछलियाँ पास आ रही है भाई, कभी इंसान को नहीं देखे और डरना चाहिए मुझसे तुमको। मेंढक भी पास में है और एक खरगोश भी डर नहीं रहा है हमसे। मरना है क्या तुमको? इस साइड ऊपर चढ़ के देख लेते हैं क्या है करके। हर्ब मिल रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह के हर्ब मिल रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से हर्ब क्या काम आते हैं। मैं ठीक से इसके बारे में पढ़ा भी नहीं हूँ, खैर बाद में पढ़ दूंगा वो। तो जो सीधा वो रास्ता है, वो वहाँ पर प्लेन क्रैश वाली जगह में जाता है जहाँ पर हम जोना से मिले थे, तो उस साइड नहीं जाएंगे अभी, इस साइड चल के देखते हैं। इतना प्यारा जगह बनाया गया है ना, मतलब डेडली जगह है, डेडली भी प्यारा भी। इधर से ऊपर तो नहीं चढ़ सकते यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर टूटने वाला वॉल है, मतलब जहाँ से हम रास्ता बना सकते हैं तोड़ के। अच्छा हुआ मैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यूज़ कर रहा था, नहीं तो शायद ही देख पाता इसको। और मेरे ड्रेस कैसे लग रहा है ये बताओ, मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोग को कैसा लग रहा है? एकदम क्रीपी म्यूजिक आता है कभी कभी यहाँ पर, अभी वैसे ठीक है, उतना क्रीपी नहीं है, लेकिन जगह क्रीपी लग रहा है 100%। No one's been through here in years. गेराल्ट पाना चाहिए ऐसा जगह, तो इसको जल्दी से तोड़ते हैं। बाप रे, तोड़ने का एनिमेशन इतना खतरनाक है, लकड़ी एकदम मुंह में आया। यहाँ पर शील्ड बना हुआ है, मतलब जो मशरूम था या जो भी था वहाँ पर शील्ड बना हुआ था। इतना खतरनाक ट्रैप है भाई, पता नहीं वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा शील्ड। और ये जो गेट है दांत वाले, बहुत खतरनाक लगते हैं मुझे तो, ऐसा लगता है मैं जब जाते रहूँगा तभी बंद हो गए और मरेंगे वहाँ पर, हम फंस गए वहाँ पर दब के। तो यहाँ पर और एक छोटा सा आर्टिफैक्ट मिल चुका है हमें, इस साइड चलते हैं। क्वेचुआ मोनोलिथ को डिसाइफर करने के लिए और आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने पड़ेंगे हमको, तभी होगा। ये तो बाहर जाने का रास्ता है। हाँ, बाहर जाने का रास्ता है ये वाला। खैर अभी बाहर नहीं जाएंगे, अभी हम अंदर जाएंगे। बीच में कुछ पड़ा हुआ है, देखा होगा आपने, गोल्डन चमक रहा था। हर बार ऐसी होता है यहाँ पर, कुछ भी चीज ना नॉर्मल नहीं रहता है, नॉर्मल नहीं सॉरी आसान नहीं रहता है, सिंपल तो भूल जाओ, नहीं आसान रहता है, सिंपल नहीं रहता है, समझ रहे होंगे आप। तो मैं ऊपर चलता हूँ जल्दी से, देखते हैं हम जो भी सामान है उसको लेते हैं, क्या है पता चल जाएगा अभी। बाप रे, यहाँ से कूद भी नहीं सकते, असली में होता तो बात अलग है। बाप रे, ट्रैप बाल बाल बचा मरते मरते। यहाँ के ट्रैप बहुत खतरनाक है पुराने दो पार्ट से,
और पजल भी थोड़े हार्ड लग रहे हैं मुझे तो यहाँ के बाकी पुराने दोनों पार्ट से। मुझे ट्रैप के बारे में स्किल अनलॉक करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बार मर चुका हूँ मैं। I should be able to reach the sarcophagus now. Shit, I'll have to keep climbing. और कितना ऊपर जाएगा भाई ये? फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर से ऐसा ना हो कि और फिर से चढ़ना पड़ेगा हमको और ऊपर। मतलब ऐसा इतना खतरनाक ट्रैप डेवलप करें वहां पर, मतलब जरूर कुछ खास चीज रखा हुआ होगा। इतना सिक्योरिटी एक चीज के लिए, पता नहीं जो भी चीज है वहां पर बहुत जरूरी चीज होगा फिर तो, इतना पता है। मिगेल मर गया, मुझे बहुत बेकार लगा उसके लिए। मैं साथ मरता तो प्रोटेक्ट करता ही हूँ उसको। वेस्टीज इवनिंग स्टार केप, तो यही लेने आए थे बस हम यहाँ पर। यहाँ पर बस आउटफिट मिला हमें एक, तो मैं यहाँ से गिर गया। पता नहीं कैसे स्क्रैम्बल नहीं कर पाया वहाँ पर सही से वॉल में। होता है, मेरी गलती था। तो ये लिफ्ट है नीचे जाने का, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो ये गेम प्ले वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। और हम यहाँ से अभी बाहर निकल रहे हैं जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो।